स्वागत है। तो आयोग की वेबसाइट एक हफ्ते बाद चालू हो गई है। जैसे ही आयोग की वेबसाइट चालू हुई, एक के बाद एक नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दी। सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में जो है साइबर अटैक हुआ था, जिसके कारण जो है लोक सेवा आयोग की वेबसाइट बंद पड़ी थी। आज ये फाइनली चालू हो गई है। तो चालू होते ही आयोग की ओर से एक के बाद जो है नोटिफिकेशन की जो है बरसात हो गई है। सभी नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहले है वो आप देख सकते हैं प्रेस रिलीज है, ऑफिस मेमो रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कैंडिडेट। जी हाँ, राज्य आंदोलनकारी जो कैंडिडेट्स हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आयोग ने दी है। उसके बाद जो अगला नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं, उत्तराखंड स्टेट सबर अपर से रिलेटेड है, डिस्पोजल ऑर्डर है, वो भी यहाँ पर आयोग की ओर से आ गया है। अगला जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ड्राफ्टमेंट से रिलेटेड मेमो है, तो वो भी हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे। और उसके अलावा जो है नेक्स्ट यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर से रिलेटेड जो वैकेंसी थी उसका भी यहाँ पर आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन कम उससे रिलेटेड ऑफिस मेमो है उससे रिलेटेड। और अगला यहाँ पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, आई थिंक सो, यस वही होना चाहिए अगला। जी हाँ, अगला वही है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो रिज़ल्ट है वो आयोग ने यहाँ पर जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन कट ऑफ और मेमो वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आरओ एआरओ से रिलेटेड मेंस के जो एडमिट कार्ड है उससे रिलेटेड और ड्राफ्टमैन का भी जो है आयोग ने यहाँ पर रिज़ल्ट जारी कर दिया है। तो संपूर्ण डिटेल्स जितने भी काम पेंडिंग बचे थे आयोग ने सभी के नोटिफिकेशन और अपर से रिलेटेड भी यहाँ पर जो है आयोग ने सूचनाएं जारी कर दी हैं। तो सभी के बारे में डिटेल में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कार्यालय ज्ञापन सहायक सांख्यिकी अधिकारी मुख्य परीक्षा के संबंध में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं श्रुति लेख से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर ये कैंडिडेट्स के क्रमांक है, अभ्यर्थी का नाम है, श्रुति लेख का नाम एवं आधार संख्या, और यहाँ पर ये पेपर के नाम लिखे हुए हैं। बाकी आप देख सकते हैं सेंटर के नाम भी यहाँ पर जो है आयोग ने लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है आपका पशुपालन विभाग समूह गौ के अंतर्गत जो रिजल्ट जारी हुआ है उससे रिलेटेड है, दिनांक 10 अक्टूबर को यह है जारी है। और यहाँ पर आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर कोई भी आपको दिक्कत है तो उससे आप जो है आयोग को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कृषि अभ्यर्थियों के निरस्त सूची है, ये कृषि से रिलेटेड जो अभ्यर्थी हैं उनके हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं 16 अप्रैल 2024 को उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। बाकी जीव विज्ञान और उद्यान से रिलेटेड हैं ये। ठीक है, तो अभी भी आयोग ने आपको समय दिया है, तो अपना अभ्यर्थन अगर आपका निरस्त है तो उससे कर सकते हैं। उसके अलावा पशुपालन कृषि उद्यान विभाग के अंतर्गत जो रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हैं, जाने के बाद प्रत्यावेदन शपथ पत्र जो है प्रस्तुत करने का जो है आयोग ने इन सब अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि भाई साहब आप अपने जो है इतने जो कैंडिडेट्स हैं अपने शपथ पत्र और ये सब जो है जमा करें लें। ठीक है, ये कैंडिडेट्स के नाम है, या तो आप स्वयं आयोग जाकर जमा कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है ईमेल आईडी पे आयोग को भेज सकते हैं। ठीक है, अगला है उसी से रिलेटेड है जो है कि
सहायक समीक्षा अधिकारी, जो मुख्य परीक्षा है 26 अक्टूबर से और 27 अक्टूबर, 2 दिन होगी, 9 बजे से 12 बजे के बीच में फर्स्ट पेपर, 2 से लेकर 5 बजे तक द्वितीय पेपर, और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है अगला पेपर होगा निबंध से रिलेटेड। विजय कोड़ी है 26/10/2000 को, यहाँ पे होगा 27, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य से रिलेटेड है ये, आप देख सकते हैं आयोग ने ये सब जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड कल से आप जो है आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मानचित्रकार और जो प्रारूप है उसका रिजल्ट भी जो है आयोग ने जारी कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। हाँ भाई, क्या है, अठारह अक्टूबर से इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और 10 अक्टूबर से जो है ऑनलाइन वरीयता का लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मानचित्रकार से रिलेटेड रिजल्ट के बारे में आयोग ने बताया है, पूरे अनुक्रमांक अभ्यर्थियों के कब कब सत्यापन होंगे, पूरी लिस्ट यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, दी हुई क्या क्या लाना है ये भी यहाँ पर इन्होंने दिया है। उसके अलावा चेकलिस्ट है, ये आप देख सकते हैं चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट आपको भर के ले जानी है। तो फाइनली जितने भी आयोग ने रिजल्ट पेंडिंग से, काम पेंडिंग से सभी एक साथ सबका नोटिफिकेशन जो है आयोग ने जारी कर दिया है, ठीक। उसके अलावा ये निस्तारण आदेश है, अपर से रिलेटेड जो है निस्तारण आदेश है, ये आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स के नाम और तमाम जो निस्तारण थे सभी का यहाँ पर आयोग ने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और जो पेंडिंग पड़े थे आयोग के पास, ये देखिए कार्यालय ज्ञापन है, उत्तराखंड समृद्ध राज कनिष्ठ अभियंता से रिलेटेड जो थे, ये देखिए उनका भी अभ्यर्थी निरस्त के संबंध में एफिडेविट प्रस्तुत करने को आयोग ने इन सभी अभ्यर्थियों को कहा है। और ये आप देख सकते हैं जो लास्ट डेट दी है 7 अक्टूबर साढ़े 12 बजे तक है, लेकिन उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं आयोग से बात करके, ठीक है, ईमेल पे भी इनसे भेज सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये अब अनर्हता सूची है पशुपालन विभाग से रिलेटेड, कृषि से संबंधित है, आप देख सकते हैं स्पेशली ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, बाकी अलग अलग जो अभ्यर्थन दस्तीकरण का जो कार्य था वो यहाँ पर आयोग ने बताया है, ठीक है। और ये आपका अन्वेक्षक कम संगणक सहायक अधिकारी के मुख्य परीक्षा से रिलेटेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका जो एड्रेस था, यानी कि जो एग्ज़ाम का जो है सेंटर विद्या मंदिर ये से जो है, और ये आप देख सकते हैं नया एड्रेस जो है यहाँ पर आयोग ने दिया है, ठीक है। तो जितने पेंडिंग काम थे आयोग ने सारे यहाँ पर कर दिए हैं, ये कार्यालय ज्ञापन है समृद्ध अवर से रिलेटेड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये फाइनली निस्तारण आदेश भी है अधीनस्थ से जो है अपर से रिलेटेड है, ठीक है। ये रही भी सारी डिटेल्स आयोग की ओर से, जितने भी संबंधित सूचनाएं थी आयोग ने सभी अपडेट कर दी हैं। अब आयोग की वेबसाइट फिर से ओपन होने लगी है और बहुत सारे और भी पेंडिंग रिजल्ट्स और तमाम चीज़ें हैं जो कि आयोग लगातार उम्मीद है अपडेट करता रहेगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अच्छा, एक आंदोलनकारियों से रिलेटेड था वो वहाँ पर आप देख सकते हैं, आंदोलनकारियों से रिलेटेड ही है ये, 3 अक्टूबर का है, हालांकि ये पहले आ जाना चाहिए था। तो यहाँ इसमें आप देख सकते हैं आरक्षण हेतु संबंध में सुभाष चंद्र सिंह नेगी एवं अन्य विभिन्न तिथियों में आयोग कार्यालय को प्राप्त प्रत्यावेदनों के माध्यम से उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण के आलोक में उक्त परीक्षाओं का परिणाम घोषित किए जाने हेतु अनुरोध हुआ है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ है, कुल 15 पदों एवं सम्मिलित में जो है चयन परिणाम 27/7 जो 2017 का यह कुल 14 का जो है परिणाम रोका गया था। तो ये है, आप देख सकते हैं आरक्षण सीट, बाकी ये तमाम
ये लिस्ट दी हुई है। तो इस तरह से आयोग लगातार अपडेट कर रहा है। और अभी मैंने कल की वीडियो में ही आपको बताया था कि लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर का जो अध्याचन है वो वापस लौटा दिया है रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि अभी रिजर्वेशन फाइनलाइज नहीं हुआ है, आदेश भले जारी हो गया है। हाईकोर्ट ने तमाम लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी नोटिस सर्व किया है। तो लेट्स होप क्या होता है, और भी लगातार आयोग अपडेट देता रहेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।